हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मूवी केयर सॉल्यूशंस। जैसे कि फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक मोटो G40 हैंडसेट है और इसमें प्रॉब्लम यह है, ये हैंडसेट में अभी लाइट नहीं आ रहा है, लाइट का प्रॉब्लम है। ग्राफिक इसमें हल्का हल्का सा दिख रहा है, अगर हम ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो आइए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ चार्जर लगा करके इसमें। तो सबसे पहले हम लाइट को चेक कर लेते हैं कि ग्राफिक इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, चार्जिंग का यहाँ पे सिंबल आ रहा है बट यहाँ पर कोई भी लाइट नहीं आ रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा सा सिंबल आ रहा है चार्जिंग का। तो इसको कैसे ट्रेस करना है, क्या करना है, सभी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। यहाँ पे हैंडसेट एक बार बताना चाहूँगा, नज़दीक से आइए। तो पूरा सील्ड है फ़ोन और ये देख सकते हैं बैक साइड। तो सबसे पहले PCB से हम मदरबोर्ड बाहर निकाल लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले बैटरी कनेक्टर निकाल लेते हैं, उसके बाद जितने भी कनेक्टर से निकाल लेते हैं और एक बार आई स्कैन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आई स्कैन में, डिस्प्ले कनेक्टर साफ ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका जो लाइट आईसी होता है इस शील्ड के अंदर होता है और ये देख सकते हैं CPU और MMC ऑलरेडी रिवॉल्व किया हुआ है यहाँ पे। तो हमको सिर्फ अभी लाइट सेक्शन चेक करना है, तो उसके लिए हम डायग्राम की ओर चलते हैं और डायग्राम में आकर के देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका डायग्राम हमने ओपन करके रखा है। तो सबसे पहले डिस्प्ले कनेक्टर पे जाना है आपको। तो यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर जो है इसका J2201 यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और इसके स्केमेटिक में आएंगे और यहाँ पर J2201 डाल देंगे। तो ये आ गए हम इसके LCD कनेक्टर, LCD यानी लाइट और ग्राफिक के लिए, TP यानी टच के लिए सप्लाई हुई होती है। तो ये टोटल 40 पिन का कनेक्टर है, जैसे देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 से लेकर 20 तक यहाँ पे आएगा और 21 से लेकर 40 यहाँ तक। तो हमको जो चेक करना है इसमें लाइट का सप्लाई, मतलब जो एक नंबर है यहाँ पे ग्राउंड है और एक नंबर जो होता है हमारा, अगर PCB में देखें हम लेआउट में, तो यहाँ पे टच पॉइंट है, ये एक नंबर होता है। तो यहाँ से 1 से 20 इधर होंगे और 21 से 40 इधर। तो हमारा जो लाइट का जो सप्लाई है इसमें 15 नंबर जो है हमारा एनोड का लाइन है, WLED वाइट LED एक रेजिस्टर के थ्रू होते हुए 15 नंबर में हमको एनोड की सप्लाई मिलती है। 14, 13, 12 नंबर जो है 3 कैथोड के पिन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, यानी यहाँ पे भी हमको वैल्यू मिलना चाहिए, मतलब 15, 14, 13, 12, 12, 13, 14, 15 ये 4 पिन हमारे लाइट की सप्लाई होती है। इसके अलावा एक और CABC 24 नंबर पे जो देख रहे हैं यहाँ पे भी हमको वैल्यू मिलनी चाहिए, यहाँ पे भी एक रजिस्टर लगा है 2201। तो सबसे पहले हम ये रजिस्टर जो देख रहे हैं आप 2239 यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे R2239। जैसे हम सर्च करेंगे तो ये कनेक्टर के LCD कनेक्टर के पास में ही है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ से तीसरा। तो अगर हम यहाँ पे अगर बोर्ड में देख लें तो बोर्ड में भी देखते हैं, तो ये हमारा है LCD एनोड का सप्लाई। तो यहाँ पे हम पहले चेक कर लेते हैं हमारा GR, मतलब हमारा जो नंबर था 15 नंबर नीचे से यहाँ से, तो मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर पिन पे आपको चेक करना है, 6th नंबर पिन। तो आ जाएंगे हम फिर से यहाँ पर, यहाँ से हम देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर में हमको देखना है एनोड का सप्लाई। तो मल्टीमीटर को रखेंगे बीप बजर रेंज में, रेड प्रोब ग्राउंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम 6 नंबर पे चेक करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर जो हमारा एनोड सप्लाई है जिसमें 505 आ रहा है। इसके बाद कैथोड के, मतलब कैथोड 3 यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है, कैथोड 2 यहाँ पे भी हमको GR मिल रहा है 690 के आसपास, कैथोड 1 मतलब यहाँ पे भी 690। ये 3 कैथोड हो गए हमारे और ये एनोड, एनोड में थोड़ा सा कम GR आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 500 का GR। और जब आप बैटरी लगाओगे या मोबाइल ऑन करोगे यहाँ पे 4 वोल्टेज भी मिलेंगे आपको। इसके अलावा एक और पिन हमको देखनी है CABC की, तो सप्लाई हमारी होती है पल्स विथ मॉड्यूल जिसे हम कहते हैं यहाँ पे R2206 और ये आती है 24 नंबर, मतलब 21, 22, 23, 24 एग्जैक्टली उसी के नीचे 4 नीचे से 4 नंबर, मतलब अगर यहाँ से हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 यहाँ 2206 यहाँ पे रजिस्टर भी है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये हमारा रजिस्टर हो गया 2206
और उसी पे हम वैल्यू चेक करेंगे। तो एक दो तीन चार, चार नंबर पे 1600 के आसपास जी आर आ रहा है। अगर रजिस्टर के इस पार देखेंगे 627, क्योंकि 1K का रजिस्टर यहाँ लगा है, तो 1608 मतलब 1600 के आसपास वैल्यू आ रहा है। ये लाइन भी हमारा सही है। अगर हम चार वोल्टेज की बात करें तो आप बैटरी लगा करके मोबाइल को ऑन करके वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको ट्रैकें तो हमारी सही है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम हॉट टेस्टिंग करेंगे। तो मल्टीमीटर को रखेंगे DC 20 में और यहाँ पर बैटरी लगा लेता हूँ मैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बैटरी लगा लिया हूँ मैं, और बैटरी में चार्ज है कि नहीं एक बार चेक कर लेते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसे कि चार वोल्टेज आ रहा है बैटरी में, यहाँ पे देख रहे होंगे आप। अब यहाँ पर जो इसका एनोड लाइन का जो रजिस्टर है बिल्कुल पास ही में लगा है रजिस्टर, तो रजिस्टर पे हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो रजिस्टर पे चेक कर लेते हैं चार वोल्टेज, देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। यहाँ से अगर 6 नंबर पिन पे भी अगर चेक करेंगे तो ये 6 नंबर पिन इसकी, यहाँ पे भी कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। मतलब जी आर तो आ रहा है बट वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी PCB को हम बाहर निकालते हैं, और बाहर निकाल के ये शील्ड सबसे पहले रिमूव करेंगे, और शील्ड रिमूव करके देखते हैं सेक्शन में क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद उस हिसाब से काम करेंगे। तो शील्ड निकालने के लिए थोड़ा सा मैं फ्लक्स का इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं शील्ड हमने इसमें निकाल लिया है, और इसमें जो लाइट और ग्राफिक के लिए IC का इस्तेमाल किया गया है 7150L। तो ये जो इसकी IC है 7150L, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स एक डायोड यहाँ पे जल चुका है, और अभी हम चेक करेंगे यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। और इसमें लाइट के लिए जो इस्तेमाल होते हैं कॉम्पोनेंट्स, एक बूस्ट कॉइल, रेक्टिफायर डायोड और एक लोड कैप, तो इन तीनों को हम डायग्राम में भी चेक कर लेंगे। चलिए डायग्राम में आते हैं और यहाँ से IC के पास चले जाते हैं। यहाँ पे लाइट के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, देखते हैं कौन सा कॉइल हमारा लाइट के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं VPH यहाँ से इन होगा इस वाले कॉइल से L1701, L1701 जो कि हमारा IC के 42 और 21 नंबर पिन के साथ जाकर कनेक्ट होता है, और बीच में एक रेक्टिफाइड डायोड सीरीज में मिलेगा, और यहाँ से ये आउट होकर के एक लोड कैप के थ्रू जो कि 35 वोल्ट का कैप लगा है, एक नॉर्मल कॉइल, फिर एक कैपेसिटर यहाँ लगा है 50 वोल्ट का, उसके बाद ये लाइन हमारी डिस्प्ले के 6 नंबर पिन में आ जाती है। और कैथोड की बात करें तो कैथोड के यहाँ पे 3 लाइनें हैं, कैथोड 1, कैथोड 2, कैथोड 3। ये जो IC है कॉम्बो IC है, लाइट और ग्राफिक के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, और ग्राफिक के माइनस के जो वोल्टेज है यहाँ से बनते हैं VSP और VSN, मतलब -5 और +5। तो कैथोड 3 है और CABC हमारा 50 नंबर पिन के साथ कनेक्ट होता है। अब हम इस कॉइल को भी चेक कर लेते हैं L1701, यहाँ पे डायग्राम में आएंगे और 1701 डालेंगे, यहाँ पर 1701 डालते हैं, तो ये देख सकते हैं कहाँ पे है, जस्ट लाइट IC के ऊपर वाला कॉइल हमारा 1701 है। यहाँ पे चेक कर लेते हैं 1701 हमारा, 1701 जो है हमारा ये वाला कॉइल है, इसके एक साइड में देख रहा हूँ मैं 400 के आसपास वैल्यू आ रहा है, और दूसरी तरफ देखता हूँ तो 300 के आसपास। अब इसको ये देख लेते हैं कि ये आपस में बीप मार रहा है कि नहीं मार रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ पे एक प्रोब रख देता हूँ मैं कॉइल के एक साइड, और दूसरा प्रोब इस साइड रखता हूँ। तो देख सकते हैं कोई यहाँ पे बजर नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब ये कॉइल भी ओपन हो चुका होगा। और अगर डायोड तो यहाँ पे जला हुआ है, सिंपल सा दिख रहा है। और अगर लोड कैप की बात करूँ, ये तो ग्राउंड है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 के आसपास वैल्यू आ रहा है, मतलब ये इसके साथ कनेक्ट है आउटपुट वाली लाइन के साथ। तो चलिए पहले ये डायोड और कॉइल निकाल के चेक करते हैं। डायोड तो जला हुआ है, इसको तो रिप्लेस ही करना होगा, और लोड कैप जो है हमारा यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट होगा। ये कॉइल और ये डायोड हम निकाल देते हैं सबसे पहले। ये कॉइल मैंने निकाल लिया है, और अभी डायोड भी निकाल लेंगे, हो सकता है लोड कैप भी। चलिए डायोड यहाँ पे टूट के उड़ गया है। तो कॉइल मैंने यहीं पर रखा है, और बजर रेंज में चेक कर लेंगे क्या कॉइल हमारा सही है कि नहीं है। तो बजर रेंज में तो ऑलरेडी मल्टीमीटर है, देख सकते हैं कॉइल में कोई भी बीप नहीं आ रही है, मतलब कॉइल हमारा ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। फिर से बता दूं आपको एक बार, तो कॉइल हमारा ओपन हो गया है, जैसे पहले ही मैंने बता दिया था आपको, इसमें कोई बीप नहीं आ रही थी। तो चलिए एक यहाँ पे कॉइल हम दूसरा डालेंगे, और यहाँ पे ये लोड कैप और ये डायोड हमारा यहाँ पे लगता है, और डायोड का जो सिरा है ये इनपुट सिरा है, ठीक है। यहाँ पे एक डायोड हमको लगाना है, तो यहाँ पे एक डायोड लगाएंगे रेक्टिफायर, और यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल हम डालेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक दूसरा कॉइल रखा हुआ है, तो सबसे पहले इसको चेक करके बता देता हूँ मैं आपको। देख सकते हैं इसमें बदल आ रही है, मतलब ये कॉइल हम यहाँ पे डाल देंगे। और एक रेक्टिफायर डायोड चाहिए हमें, तो मेरे पास एक डायोड भी है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मेरे पास एक डायोड है, और इस डायोड को हम देख सकते हैं यहाँ पे एक डायोड मेरे पास निकाला हुआ है, और इसका एनोड कैथोड देख के आपको डालना है। ये लकीर वाला जो सिरा होता है, इसका माइनस का सिरा होता है कैथोड का। ये डायोड इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, और ये कॉइल यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे कोई भी आप डायोड डालेंगे नहीं चलेगा, लाइट के लिए जो डायोड होता है रेक्टिफायर डायोड, यही डालना है। थोड़ा सा फेज डाल लेंगे, चलिए देख सकते हैं डायोड अपनी जगह पे आ गया है, कॉइल भी लगा दिए हैं। एक बार कूल टेस्टिंग कर लेंगे, यहाँ पे 200 के आसपास वैल्यू आ रही है रिवर्स में, फॉरवर्ड में 400। तो चलिए यहाँ पे दो चीज़ हमने बदल दी है, एक है रेक्टिफाइड डायोड और एक बूस्ट कॉइल। हो सकता है हमें ये लोड कैप भी बदलना पड़े, बट अभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मुझे, तो इसको बदलने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं, थोड़ा हीट है, चलिए एक बार मदरबोर्ड में लगा लेते हैं, और उसके बाद चेक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स एक बार हम इसको ऑन कर लेते हैं, और अभी चेक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तारा काम हमने कर लिया है। तो एक बार चार्जर लगाएंगे, और चार्जर लगा के देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा लाइट आ चुका है, और हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है, आपके पास सर्किट की नॉलेज होनी चाहिए और हैंड स्किल का काम होना चाहिए। तो दोनों चीज़ अगर आपके पास होंगे, यहाँ पे देख सकते हैं परसेंटेज भी आ चुका है सारा चीज़।
तो अगर आपको प्रॉपर नॉलेज लेनी है तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। 20 सितंबर से मेरा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मैं लाइव ऐसे ही चेकिंग बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। और तो आप मेरा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 20 सितंबर से मेरा ऑनलाइन कोर्स है जिसमें मैं लाइव ऐसे ही चेकिंग बताऊंगा आपको कैसे चेक करना है स्टेप बाय स्टेप। और 10 दिन पूरा क्लास होगा 6 मंथ का। इस तरीके के वीडियोस मिलेंगे आपको एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर में, जिसके अंदर आपको बहुत सारे फॉल्ट फाइंडिंग के वीडियोस डालूंगा मैं लाइव ट्रेसिंग के। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा मैं लाइव वीडियोस आपको बताना चाहूंगा। इस तरीके के मोबाइल्स आते हैं लाइव रिपेयर करते हैं हम लोग यहाँ पर, चाहे वो कोई भी मॉडल हो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे काम करके दिखाया जाएगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। और ऑनलाइन कोर्स 20 सितंबर से है, जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं मोबीगेट सॉल्यूशन फोन फिक्स हैदराबाद टीम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं इसी तरह से किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।